ओके बच्चों, आज हम बनाने वाले हैं फिर से एक डूडल आर्ट बनाऊंगी और ये मिडिल ग्रुप के लिए बना रही हूँ मैं। लगभग एज ग्रुप रहेगा 10 से 12 साल तक के बच्चे बना सकते हैं। इवन पैटर्न ऐसा है कि कोई भी बना सकता है, एक अच्छा पैटर्न है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी, नीड होगी कंपास, क्योंकि इसमें कुछ मैं सर्कल बेसिस लेने वाली हूँ, सर्कल शेप्स, कंपास, पेंसिल एंड इसे भी मैं मार्कर से ही यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं एक सीडी मार्कर भी यूज़ कर रही हूँ और स्केच पेन, तो ये तीन चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ मैं। और कंपास मैं सर्कल करने के लिए यूज़ करूँगी। ओके ओके, तो इसको मैं कुछ सर्कल शेप से फिलअप कर लूँगी। इसमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप लाइंस डाल लीजिए। ज़िगज़ैग में हम सर्कल्स रखेंगे। इस तरीके से हम इसे पूरा अपना ज़िगज़ैग में फिलअप कर लेंगे अपने डिज़ाइन को। ओके, अब ये मैंने एक डिज़ाइन बना के पूरा रेडी कर लिया है इस तरीके से, पेंसिल से आप देख सकते हैं। अब इसे मैं फिलअप करूँगी ब्लैक मार्कर से, जो सीडी मार्कर यूज़ कर रही हूँ मैं, और इससे जहाँ मुझे बोल्ड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ मैं ये थिक वाला मार्कर यूज़ करूँगी, अदरवाइज ये पतले मार्कर का यूज़ करूँगी। बीच बीच में हम स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का मिडिल जो पॉइंट होता है वो दोनों के बीच का होता है। और भी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे और बारीक काम करने के लिए मैंने ये 0.5 का ये वो है पेन, ये भी मार्कर ही है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ डिज़ाइंस, इन सबको हम लाइन को हम लाइन वर्क कर लेंगे। ये मैंने कुछ लाइंस को बोल्ड कर लिया है और कुछ को बारीक रखा है। अपने अकॉर्डिंग हम इसमें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, जैसे हम मेहंदी के कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं या टैटू डिज़ाइन है, उनके थ्रू हम इसे फिलअप करेंगे। अब जैसे ये वाला पैटर्न है, अब इसमें मैं ना लीव का डिज़ाइन बनाऊंगी। अब इसे हम किसी भी कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं, बोल्ड लाइन करने के बाद इसमें इस तरीके से इसे कंटिन्यू कर लेंगे। और इसे हम डायरेक्ट ही सीडी मार्कर से यूज़ करना है, ताकि और जिनका हाथ सधा हुआ ना हो वो पेंसिल से भी बना सकते हैं इसे पहले, फिर इसके ऊपर पेन चला सकते हैं बच्चे। इस तरीके से हम कितनी भी इसमें डिज़ाइंस डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ लाइंस का यूज़ कर रही हूँ, फिलअप कर रही हूँ। आप इसमें डिफरेंट पैटर्न डाल सकते हैं, चाहे वो पॉइंट यूज, डॉट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, कर्लिंग लाइन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मेरा ये पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। मैं इसी तरीके से मैं इसमें डिफरेंट पैटर्न का यूज़ करूँगी, ये भी है ये भी है। इसे कंप्लीट हो जा होते ही फिर मैं इस पिक्चर को मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने कुछ स्टैंडिंग लाइन डाली है, इसको मैं लीफ की जैसे हम वेंस बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसे फिल कर रही हूँ मैं। ये देखिए,
मैंने ट्रायंगल शेप्स बनाए हैं और इसको मैं पूरा फिलअप कर लूँगी। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइंस हैं जो मैंने लाइंस कर्व इनके थ्रू ही इसे कंप्लीट कर रही हूँ। आप आराम से इसे कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं। लास्ट सकर में मैंने कुछ डिज़ाइंस बना लिए हैं। ये एक तरीके से क्रिसमस ट्री जैसे मैंने डिज़ाइन बनाए हैं। इसको कंप्लीट करते हुए अब इन्हें हमें वाइट छोड़ना है और एक्स्ट्रा स्पेस को हमें ब्लैक कर देना है। एट लास्ट हमारे सर्कल पूरे हो चुके हैं। ये सर्कल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया एट लास्ट। अब मैंने यहाँ पे कुछ एरोज बनाए हैं। इसमें मैं कुछ कलर ये फिलिंग कर रही हूँ, कुछ मैं ब्लैंक ही रखूँगी अकॉर्डिंग टू अपनी पिक्चर जो मुझे सही लग रहा है। आप उसी तरीके से आप और कलर भी डाल सकते हैं, गोल्डन डाल सकते हैं, सिल्वर डाल सकते हैं, कहीं कहीं टचअप दे सकते हैं किसी भी कलर का। किसी पार्ट को ब्लैंक रखना और मैंने इसमें बीच में जैसे कुछ वर्ड लिखे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप है ना बुक का कवर बना सकते हैं या अपना एक फोल्डर बना रहे हैं उसको कवर कर सकते हैं इसी तरीके से। और ये डिफरेंट टाइप के मैंने पैटर्न्स को ही कंपाइल किया है एक डिज़ाइन के अंदर। बेसिकली दीज आर पैटर्न डिज़ाइन और यही डूडल आर्ट के अंदर मोस्टली पैटर्न्स का ही यूज़ होता है। अब वो कर्व हो या लाइन वर्क हो या डॉट्स हो, हर तरह का वर्क आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। थैंक यू।